नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिवसेना के अंदर महाफूट की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि अब शिवसेना के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अनंत गीते ने संजय राउत को आईना दिखाने का काम किया है। जी हां, अनंत गीते ने संजय राउत को शरद पवार के खंजर का बड़ा उदाहरण दिया है और बयान देते हुए यह कहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। चाहे लोग कितनी भी वाहवाही शरद पवार की कर ले, शरद पवार हमारे गुरु यानी कि शिवसेना के गुरु नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी के समझौते के लिए सरकार बनाने का काम हमने किया था। जी हां, और आपको यह भी याद दिलाते चले, दरअसल हाल ही में पिछले दिनों संजय राउत ने बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल को चुनौती देते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि अगर शरद पवार के खंजर का उदाहरण मुझे मिल जाए तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। जी हां, एक बार फिर से अब साफ तौर पर शिवसेना के अंदर गुटबाजी की तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक संजय राउत शरद पवार का गुणगान गाते हुए दिखाई पड़ रहे थे और शरद पवार के खंजर का उदाहरण दिखाने के नाम पर अपनी राजनीति को छोड़ने का दावा करते हुए नजर आए थे, अब उन्हीं के दल के नेता अनंत गीते ने संजय राउत को आईना दिखाते हुए शरद पवार को छुरा भोंकने वाला बताया है और साफ तौर पर बड़ा बयान देते हुए यह कहा है कि चाहे लोग कितने भी गुणगान शरद पवार के कर ले, लेकिन शिवसेना के गुरु शरद पवार नहीं हो सकते। और जो महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई है, सिर्फ और सिर्फ समझौते के लिए एनसीपी से शिवसेना ने हाथ मिलाने का काम किया है। जी हां, आपको बता दे कि शिवसेना के नेता अनंत गीते ने दरअसल बयान देते हुए यह कहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार जिन्होंने अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा भोंका है, वो शिवसेना के सैनिकों के गुरु कभी नहीं हो सकते। हमारे गुरु केवल बाला साहब ठाकरे हैं और लोग पवार की जितनी चाहे वाहवाही कर ले, हमारे गुरु केवल बाला साहब ठाकरे ही रहेंगे। जी हां, और इसके अलावा अनंत गीते ने यह भी बयान देते हुए दरअसल कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार महज एक समझौता है और जब तक ये काम चल रहा है हम तीनों पार्टियां गठबंधन में हैं और जैसे ही हम अलग हो जाएंगे तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के लिए होगा और इसीलिए हम जो आने वाले प्रदेश में चुनाव बीएमसी से लेकर तमाम अलग अलग चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के लिए प्रचार कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने ये भी साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि कांग्रेस भी कांग्रेस है और राकपा यानी कि एनसीपी भी कांग्रेस है, लेकिन क्या वे एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं? क्या कभी भी एक दूसरे से मिले थे? क्या उनके पास एक ही विचार? ये सवाल एक बार फिर से शिवसेना के नेता ने पूछा है और ये भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि दो कांग्रेस एक दिमाग वाली नहीं हो सकती, जबकि शिवसेना कभी भी एक दिमाग वाली कांग्रेस की बातें नहीं सुन सकती और मूल रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जाम जिस तरीके से कांग्रेस की कमर तोड़कर किया गया है, इसीलिए हम साफ तौर पर ये कहेंगे कि चाहे लोग कितनी भी उपाधियां शरद पवार को दे दे, वो हमारे लिए हमारे नेता नहीं है। हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हालांकि एक और महाविकास अघाड़ी सरकार में बार बार मतभेद की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन अब जिस तरीके से शिवसेना के अंदर खाने ही भारी फूट पड़ती भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक और जो संजय राउत जो कि शिवसेना के बड़े लीडर माने जाते हैं वो लगातार शरद पवार की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने शिवसेना के नेता किस तरीके से संजय राउत को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब लगातार यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब संजय राउत अपनी राजनीति में विराम लगा देंगे, क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत ने ये बड़ा चुनौती देते हुए बयान दिया था, चैलेंज करते हुए चंद्रकांत पाटिल को कि अगर शरद पवार को लेकर कोई भी उदाहरण मेरे सामने पेश कर दिया जाए पीठ में खंजर घोंपने का, तो वो अपनी राजनीति को उसी समय खत्म कर देंगे। जी हां, हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अब संजय राउत इस पूरे बयान को लेकर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते हैं, लेकिन साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी तो छोड़िए शिवसेना के अंदर ही जमकर फूट की तस्वीरें मची हुई हैं, जिसकी बांगी आज हालांकि एक बार फिर से सामने आई है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन किस तरीके से हुआ था, कैसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए अपनी कुर्सी को हथियाने के लिए
महाराष्ट्र की कैसे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के अलग अलग तीन पहियों के दलों ने एक मिलकर सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन शुरुआती दौर से लगातार जो तस्वीरें महाराष्ट्र में सामने आ रही थी, किस तरीके से महा विकास अघाड़ी सरकार के अंदर खाने लगातार एक के बाद एक फूट की तस्वीरें सामने आ रही थी, पर चाहे वो एनसीपी के नेता हो, पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, और अब जिस तरीके से शिवसेना ने भी साफ तौर पर अपना पल्ला एनसीपी से झाड़ दिया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये महा विकास अघाड़ी सरकार जो कि लंबे समय से संकटों के बादल इस पर छाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे किसी न किसी तरीके से अपनी सरकार को बचाने का पूरा प्रयास भले ही कर रहे हो, लेकिन स्थितियां सब कुछ पहले से ही स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि कैसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही सरकार को लेकर एनसीपी के चीफ शरद पवार ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे, और साफ तौर पर संजय राउत से ही बातचीत करते हुए ये बताया था अपने बयानों में कि दरअसल वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर चुनकर उन्हें अब पछतावा हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा था कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर शरद पवार को अपना चेहरा सबके सामने लाना चाहिए था, या फिर शिंदे का नाम आगे करना चाहिए था। जी हाँ, और अब जिस तरीके से एक के बाद एक महा विकास अघाड़ी सरकार में जो गतिविधियां चल रही हैं, किस तरीके से हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी कि जब उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले ने साफ तौर पर बड़ी चुनौती शिवसेना को दी थी, उसके बाद किस तरीके से उद्धव ठाकरे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, जिसके बाद साफ तौर पर बयान देते हुए ये स्पष्ट भी किया था कि बीजेपी के साथ उनके भले ही राजनीतिक संबंध ना हो, लेकिन दोस्ताना व्यवहार उनके साथ संबंध है, और इसको लेकर हालांकि संजय राउत ने भी बयान दिया था, लेकिन तभी से हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अब जब कांग्रेस पार्टी से लेकर एनसीपी शिवसेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो क्या पुराने साथी के पास लौटने का मन अब शिवसेना बना रही है। लेकिन हालांकि इन तमाम अटकलों को भी उद्धव सरकार की ओर से खारिज किया गया, लेकिन ये जो एक के बाद एक मतभेद की तस्वीरें महा विकास अघाड़ी सरकार से लेकर अब शिवसेना में भी सामने आ रही है, ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अब कितने दिनों की महा विकास अघाड़ी सरकार बची हुई है, क्योंकि जो हालात महाराष्ट्र में इन दिनों चल रहे हैं, जो एक के बाद एक महा विकास अघाड़ी सरकार में जो तमाम ऐसे ऐसे खुलासे इन तमाम बड़े बड़े नेताओं के हो रहे हैं, जिन पर करोड़ों के घोटालों का आरोप साफ तौर पर सामने आ रहा है, जिसका खुलासा बीजेपी के नेता किरीट सोमैया कर रहे हैं, हालांकि पहले से ही महा विकास अघाड़ी सरकार मुश्किलों में फंसी हुई है, और अब जिस तरीके से अब शिवसेना के नेताओं ने भी अंदर खाने गुटबाजी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से जो बयान अब अनंत गीते ने दिया है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि शिवसेना के अंदर भी अब एक समान बातें नहीं रह गई है, कई एक और संजय राउत अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये शिव सैनिक के नेता शरद पवार को अपना गुरु न मानने की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात जरूर होगी कि इस पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत का आखिर क्या बयान सामने आता है, किस तरह की प्रतिक्रिया इन दो बड़े नेताओं की ओर से अब इतने बड़े बयान को लेकर सामने आता है। लेकिन अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि महा विकास अघाड़ी सरकार तो छोड़िए, अब शिवसेना के अंदर खाने भी भारी फूट पड़ चुकी है, और जिस तरीके से शिवसेना लगातार आगामी बीएमसी के चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, और ये बयान लगातार उद्धव ठाकरे की ओर से दिए जा रहे थे कि बीएमसी चुनाव में भी एक अच्छा प्रदर्शन शिवसेना और तमाम इनके बड़े बड़े नेताओं की ओर से किया जाएगा, लेकिन तस्वीरें अब साफ तौर पर स्पष्ट हो चुकी है कि अब बहुत जल्द महा विकास अघाड़ी सरकार का खात्मा होने वाला है, और इसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें आनी शुरू हो गई हैं। लोग साफ तौर पर शिवसेना के नेता संजय राउत से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, और दरअसल ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस तरीके से अब खुद ही शिवसेना के नेता ने साफ तौर पर खंजर से छुरा घोंपने का उदाहरण दे दिया है, तो क्या अब संजय राउत राजनीति छोड़ सकते हैं? ये तमाम तरह अलग अलग तरह के सवाल अब सोशल मीडिया पर संजय राउत से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत ने जिस तरीके से बड़ा दावा करते हुए बड़ा दम भरते हुए ये बयान दिया था, और बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल को बड़ा चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर एक भी उदाहरण कोई मेरे सामने शरद पवार को लेकर लाता है तो मैं उसी वक्त राजनीति से अपना संन्यास ले लूंगा, और इसीलिए बड़ी वजह है कि अब लगातार सोशल मीडिया पर संजय राउत से लोग सवाल पूछते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल पूछना लाजमी है,
क्योंकि लगातार जिस तरीके से संजय राउत सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाया जाए इसको लेकर बार बार तमाम तरह की सफाई पेश करते आए हैं। और अब जो उनके अपने नेता ने ही शिवसेना के नेता ने यह बड़ा खुलासा करते हुए या यूं कहा जाए कि बड़ी चेतावनी या यूं कहा जाए कि करारा जवाब संजय राउत को दिया है, ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि संजय राउत किस तरह की प्रतिक्रिया इसको लेकर देते हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया क्या कुछ स्टैंड अब उद्धव ठाकरे क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनका भी इस बयान पर सामने आता है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।